गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। अभी इवनिंग का बज रहा है 7:30। जैसे कि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं अपना फुल डे रूटीन दिखाऊं, तो फुल डे रूटीन अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बहुत ही जल्दी उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं अपना डिनर रेडी करने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। बिकॉज बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी, मेल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सुगम आपने बहुत सारा लंच का आइडिया दिया है, बहुत सारा ब्रेकफास्ट का आइडिया दिया है, लेकिन डिनर के ऑप्शन आपने कम दिए हैं। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी, यम्मी एंड फिलिंग डिनर का ऑप्शन आपको, मतलब बहुत ही फिलिंग है ये डिनर, और अगर आप इसे लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा भी फील होगा, आपकी बोन्स काफी स्ट्रांग होंगी, आपको प्रोटीन मिलेगा, मतलब काफी अच्छा है और काफी एनर्जेटिक भी है। 7:30 से 8 बजे के बीच आप इसे ले लीजिए, फिनिश कर लीजिए, और गारंटी कि आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लेना है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना है दूध। 250 ml तक का दूध आप ले सकते हैं, इवन 300 ml भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे लेकिन भी है कि मैंने ये काउ मिल्क लिया है। आप टोन मिल्क भी ले सकते हैं, अमूल का जो ब्लू वाला पैकेट आता है आप वो ले सकते हैं। वैसे मेरे घर में गाय का दूध आता है तो मैं ये ले लेती हूँ। तो चलिए, इसे बनाना कैसे है और सबसे स्पेशली लेना कैसे है, क्योंकि अगर आपने इसके साथ थोड़ी भी ऊंच नीच की तो ये वेट घटाने की बजाय बढ़ा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, और सच में बहुत ही यम्मी चीज बनेगी आपके लिए। तो क्या यूज कर सकते हैं, क्या नहीं यूज कर सकते हैं, वो भी चीज आपको मैं इसमें दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन फ्रेंड, ड्रिंक बताने से पहले, जैसा कि आपको पता है कि मैं हैशटैग वुमेन हाइजीन पे इसे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो हाइजीन का नेक्स्ट पार्ट है एवरटीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश। क्योंकि जैसे कि आप अपने फेस के लिए अलग चीज़ लेते हैं, फुट क्रीम अलग लेते हैं, हैंड क्रीम अलग लेते हैं, ठीक है, आई क्रीम अलग लेते हैं, ठीक उसी तरह आपको वजाइना के लिए भी वॉश अलग लेना चाहिए। और ये इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि हमारा पीएच लेवल वहाँ का, यानी कि हमारी वजाइना का और हमारे दूसरे अदर पार्ट्स का पीएच बैलेंस बिल्कुल डिफरेंट होता है, और इसीलिए हमें उसके पीएच को बैलेंस करने के लिए एक अच्छा इंटीमेट वॉश चाहिए, जो कि आप अपने पीरियड्स के दिनों में भी यूज़ कर सकते हैं, और मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, जिनको भी बाइट डिस्चार्ज की वजह से वहाँ पर खुजली रहती है या फिर इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है, उनके लिए भी ये काफी अच्छा। और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को मैं इसलिए भी रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज मार्केट में बहुत ही सस्ता है ये, मतलब कि, और देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये, मतलब ये मैं आपको गिनती भी नहीं बता सकती ये कौन सी बॉटल, कितने नंबर की ये बॉटल है। और हमेशा मैं इसी को यूज़ करती हूँ, पीएच बैलेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा आपको, हर तरह से अच्छा है, 100% नेचुरल है, और मतलब एक्स्ट्रा माइट फॉर ऑल स्किन टाइप है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बोला कि जो मैंने अदर ब्रांड्स का देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी भी ब्रांड का, उसमें क्या होता है कि उसमें नेचुरल चीज़ें नहीं होती हैं, और मुझे ये एक 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ मिला, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके परचेज कर सकते हैं, और जो चीज़ पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ वही चीज़ मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ। इसीलिए कभी भी ऐसी चीज़ नहीं रिकमेंड करती हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं यूज़ करती हूँ, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अपने वीडियो बनाने के लिए, ऑफ कोर्स आपको चाहिए दूध, और इतना क्वांटिटी मैं 250 ml लेती हूँ। देन आपको डालना है इसमें एक कटोरी मखाने, और अगर आपको थोड़ी ज्यादा भूख हो तो आप ज्यादा भी मखाने डाल सकते हैं, नो इशू। एंड माय सेकंड, आप इसमें डालिए 4 मखाने, आप इसे क्रश करके भी डाल सकते हैं, सॉरी 4 बादाम, इससे ज़्यादा क्वांटिटी मत रखिएगा, और आप इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही डालती हूँ, मुझे ऐसे ही टेस्ट लगता है। अब बात आती है मीठे की, आप
जैसे कुछ लोग दूध मीठा पीना पसंद करते हैं, तो आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं, जो गुड़ पाउडर आता है ना वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैं हमेशा से दूध जो है वो बिना मीठा ही पीती हूँ, चाय भी विदाउट शक्कर पीती हूँ, तो मेरे लिए कोई भी इश्यू नहीं है इसे पीना। और इसे बहुत अच्छे से बॉयल कर लीजिए। तो ये जो दूध है मेरा बनके रेडी भी है, और मैं जरा सा इधर उधर हो गई थी, दूध ऊपर भी आ गया। तो इस तरह से ये जो आपका डिनर है वो रेडी है। इसमें डालिए एक स्पून और मस्त होके खाइए इसे। बहुत ही फिलिंग है, बहुत ही टेस्टी है, और आपको भूख भी नहीं लगने वाली है। 7:30-8 बजे तक इसे फिनिश कर दीजिए। बहुत ही जल्दी मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको सेकंड रेसिपी दूंगी कि आप डिनर में और क्या ले सकते हैं। फिर तीसरा लेके आऊँगी, बिकॉज हर चीज़ सबको नहीं पसंद होती है, तो इस तरह से इसे मैं डिनर की सीरीज चलाऊँगी जिससे कि बहुत से लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल सकें। सो फ्रेंड्स, देखा, फुल फिलिंग एंड फुल एनर्जेटिक एंड बहुत ही यम्मी सा। मैं सही बताऊँ, मुझे पूरे दिन में सिर्फ एक यही मील है जिसका मुझे वेट रहता है कि जल्दी से रात हो और जल्दी से मैं अपना डिनर लूँ। 2-3 ऑप्शन और दूंगी, आज मैंने एक ऑप्शन दिया है, कल परसों में मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी दूंगी कि और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन दूंगी वो क्या ऐड कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों को मिल्क सूट नहीं करता है, बहुत से लोगों को मिल्क पसंद नहीं होता है, तो सेकंड ऑप्शन भी मैं ज़रूर आपको दूंगी। तो अगर वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आए तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ। अगर चैनल अभी तक आपने मेरा न्यू चैनल नहीं जो है सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज कल बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है। उसमें आई थिंक मैं आपको अपने मम्मी पापा से मिलवाऊँ, अपनी फैमिली से मिलवाऊँ, अभी नॉट गारंटी, लेकिन हाँ 100% कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग जरूर बनाऊँ। सो अगर क्योंकि ऑलरेडी उसमें ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, ऑलरेडी उसमें वीडियोज़ हैं कि किस तरह से मैंने अपना हनीमून पे मेकअप किया था, किस तरह से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ उसमें है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और जाइए जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।